ऊँट के ऊपर बैठे हुए को भी कुत्ता काट सकता है, इंसान पूरे दिन घर पे ही है लेकिन तब भी उसके जब बुरा होना है तो होना ही है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ सुबह। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवाने वाला हूँ, हमारा न्यू फ्रेंड, हमारा न्यू फैमिली का मेंबर, मेरी फैमिली का मेंबर, आपकी फैमिली का मेंबर, जिसका नाम है कोको। कोको लाखों बंदों को हेलो बोलो एक साथ, हेलो लाखों बंदो, कैसे हो? तो ये हमारा नया फैमिली का मेंबर है, ये सिर्फ 1 मंथ का है, इसका नाम है कोको। अभी मैं आपको पूरी स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो ये मेरे किसी फ्रेंड का है जिसको इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया, मैं काम नहीं बता सकता वो कहाँ गया है। तो अभी ये 15-20 दिन के लिए मेरे पास ही है, मेरे साथ ही रहेगा, उसका मेरे को कॉल है बिकॉज उसको पता है कि हाउ मच आई लव डॉग्स, मेरे को डॉग से कितना प्यार है। तो उसने सीधा कॉल करा, भाई मेरा डॉग रख लेगा 15-20 दिन के लिए, और उसको पता था मैं मना नहीं करूंगा, और ये डॉग हमारे पास आ गया जिसका नाम है कोको। अभी ये 15-20 दिन हमारे साथ ही रहेगा, खेलेगा, खूब मस्ती करेगा, बहुत शैतान है वैसे ही ये दोपहर से आया हुआ है, बहुत ज्यादा खेलों में इसके साथ, इसको एक बार नीचे छोड़ दो ना भाई साहब ऐसे भागता है इधर उधर, मतलब आप रोक नहीं सकते, आप इसको पकड़ नहीं सकते। कोको कोको एक बार सबको हेलो बोलो दोबारा से, हेलो। देखो यार कितना प्यारा है, कितना क्यूट सा है। इसके दांत बहुत ही ज्यादा तेज है लेकिन ये अभी काटता नहीं है, और मेरा दोस्त बन चुका है, बहुत ही बढ़िया। कोको बहुत ही तगड़ी छलांग मारी यहां पर इसने। तो आज कोको भी छोटो को हेलो बोलेगा, अभी बज रहे हैं शाम के 7, सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी पोनो, और छोटो को कोको हेलो। तो होप करता हूँ आप सब मेरी तरह बढ़िया ही होंगे, और मतलब इन दिनों में हमारे पास एक डॉग आ चुका है, प्रॉपर सैनिटाइज करके आया, 3-4 घंटे वहीं पर था, प्रॉपर नहा नू के, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो आई नो काफ़ी बंदों के कमेंट भी आएंगे, भाई जिससे आपने लिया है वो ठीक है नहीं है, वो एकदम ठीक है, उसको कहीं इमरजेंसी पर जाना पड़ा जिसकी वजह से ये डॉग हमारे पास है। ओए बहुत ही क्यूट है यार, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। हाँ इसकी एक तो आंखें नजर नहीं आती, मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था, ढूंढने की आती, मतलब ऐसे ऐसे करके देखो, छोटी छोटी आंखें बालों के अंदर, हो बहुत ही ज्यादा शैतान है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मतलब अपने को अब फुल टू मजा आने वाला है। तो अब आने वाले कुछ दिन ये हमारे साथ ही रहने वाला है, बस अब मेरे को ना अंदर से ये डर है कि जब ये मुझसे अलग होगा ना तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख होने वाला है, लेकिन वही है मेरे दोस्त की बात, मैं मना भी नहीं कर सकता था, और खास डॉग से रिलेटेड हो तब तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता, बिकॉज मतलब डॉग से ऐसा प्यार है ना कि हाँ मैं बता नहीं सकता। तो जैसे उसने बोला ना भाई मेरा डॉग रख लेगा 10-15 दिन के लिए, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उसने बताया भाई यही इमरजेंसी है, रख सकता है या नहीं, मतलब भाई दे जा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये 15-20 दिन हमारे साथ ही रहेगा, देखना कितना प्यारा लग रहा, सो गया साइड में, ले तो एक ही बारी में हम इसका खाना वगैरह सब कुछ लेके आ गए हैं, अभी बर्तन भी आ जाएंगे, फिलहाल के लिए इसको इसमें पानी दे देते। कोको वांट अ ड्रिंक वाटर? कोको को पानी पीना था। सो इट्स टाइम फॉर डिनर 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 डिनर। इसकी जो ब्रीड है ना वो है शिट्ज़ू, ये इतना ही छोटा रहता है, हल्का फुल्का और बड़ा होगा इतना ही रहेगा, इतना ही क्यूट है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। अभी दिक्कत क्या है, मेरे को अपनी शॉप पर भी जाना है और घर पर भी कोई नहीं है, प्रियंका भी अपनी मॉम के वहाँ पर गई हुई है, मेरे को मॉम को देखने के लिए भी जाना है, तो मैं इसको साथ लेके जाऊँ कोको को या यहीं छोड़ के जाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बिकॉज अभी ये यहाँ पर न्यू है तो यहाँ पर परेशान ना हो, कई चीज़ें वीजे फाड़ दे, जूते वूते उखाड़ दे, तो सोचो इसको साथ ही ले जाता हूँ, थोड़ी देर शॉप पे खड़ा हो जाएगा, साइड वाइड में बैठ जाएगा, फिर उनकी मॉम के घर ले जाऊँगा, वो भी थोड़ा खेल लेंगे, खुश हो जाएंगे, देख लेंगे इसको। कोको वो देखो मेरे डंबल खा रहा है। बेटा डंबल नहीं खाने, एक्सरसाइज का मन हो रहा है क्या? ना 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 नो डंबल, चलो चलें, चलने का टाइम हो गया। कोको को अपनी बाइक दिखा देते। कोको ये है अपनी ड्यूक, ये है अपनी हायाबूसा, ठीक है कोको? कह रहा ठीक है। ओ चला कोको, पीछे 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 पीछे, चल चल चल। और मम्मी कैसे हो? दर्द ठीक है? है ही नहीं, होता ही नहीं है। आपको नहीं, आपको होता तो बताते नहीं हो। नहीं नहीं होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ले चल उठा ले, इसका बेड उठा ले, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ओ कह रही है मेरा बेड दे, कहाँ लेके जा रहा है?
चल ले ले भाई ले ले। देख रहे कहाँ आ गया मैं? चोको आ जा। भाई की आंखें कहाँ है इसकी? हैं? आंखें कहाँ इसकी? इसकी आंखें भाई यही आंखें नजर नहीं आती, देखना ध्यान से देखने की। अब हाँ बालों पे हाथ रखो तब मोटे जोड़े ले जाते आंखों में। कोको मुझे आज भी याद है जब भी मैं पापा को बचपन पे कहता था ना पापा मेरे को डॉग पालना है डॉग पालना है, पापा कहते थे बेटा तेरे को पाल रहा हूँ ना वही बहुत है डॉग मत लेके आओ किस दिन। लेकिन बाय चांस की बात है मेरी किस्मत कह लो कि हाँ दोस्त को जाना था कहीं वो हमारे घर डॉग छोड़ गया। अब पापा कह रहे कोई दिक्कत नहीं 10-15 दिन के लिए ना रख ले। मम्मी को बता रहा था कि बचपन में मैं कितना शैतान था, मतलब कभी भी किसी को भी पीट देना है किसी को नहीं छोड़ता था, मतलब मैं इतना ज्यादा शैतान था ना आप सोच नहीं सकते। मतलब जिन गाड़ी लेके ओ भाई साहब एक बार की बात बताता हूँ अभी याद आई एकदम से। तो एक बार क्या हुआ मेरे को ना गाड़ी चलानी नहीं आती थी, पापा दोपहर को शॉप संभाल के सो रहे थे, मैंने चाबी निकाली मैं गाड़ी घुमा फिरा के घर के बाहर लाके खड़ी कर दी। जैसी खड़ी करी पापा ही बाहर आ गए, पापा ने देखा नहीं खड़ी करते हुए, इतने में कोई रिक्शे वाला आया कहता कि आपके लड़के ने ठोक दिया। पापा को लगा आपको लगा ना स्कूटर ठोका, याद है पापा को लगा स्कूटर ठोका उसने। पापा कह रहे हाँ चल कोई दिक्कत नहीं 50-100 रुपए ले ले, उसको लगी नहीं थी एक्चुअली उसके रिक्शे खोल की फुल्की लगी थी। पापा ने 50-100 रुपए ले ले ठीक कर रहे। अरे 50-100 रुपए कैसे, ये छोटी गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी ठोकी पापा हैरान। फिर आपने मेरे को जो सुनाया था कह रहे बता के लेके जाया कर ऐसे उसको कुछ हो जाता, मतलब इतना ज्यादा शैतान था ना बिना बताए गाड़ी भी ले गया था, मतलब वो दिन आज भी याद है। और एक बार गाड़ी ठोक भी तो दी थी स्कूटर कौन सा शीशा तो ऊपर घूम गया था। बहुत पंगे हुए हैं बहुत पंगे हुए हैं, मतलब इतने सारे सीन हुए ना छोटे मोटे, किसी टाइम बताने पे आऊंगा ना तो मतलब 10-15 वीडियो उसी में निकल जाएगी। ये तो सो गया यहीं छोड़ दें इसको फिर आजा कमरे में अपने कमरे में चलो देखना। ओ आजा ये वाला घर नहीं है अपना, अरे आजा वो वाला घर है। कोको चला आजा आजा चलो 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 वेरी गुड वेरी गुड क्लैपिंग आजा। The next day. Oh, good morning everyone. सुबह हो चुकी है, मेरी एक्सरसाइज का टाइम हो चुका है और ये जो कोको है ना इसको एक दिन में मेरे से इतना लगाव हो गया है जैसे ही मैं वॉशरूम जाता हूँ ना या बाहर बालकनी में जाता हूँ ये भोंकने लग जाता है। कहाँ जा रहा है मेरे को भी लेके जा, मेरे को अकेले कहाँ छोड़ के जा रहा है, अभी देखो मैं बाहर निकलूंगा ना कैसे भोंकेगा। यही हूँ कोको देखा आपने क्या हुआ बेटा कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर हूँ। Later. कहते हैं ना जब इंसान का टाइम बुरा हो तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, ऊंट के ऊपर बैठे हुए को भी कुत्ता काट सकता है। इंसान पूरे दिन घर पे ही है लेकिन तब भी उसके साथ जब बुरा होना है तो होना ही है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ सुबह, मेरी ये वाली फिंगर देख रहे हो मिडल वाली, मतलब पूरा का पूरा सूज गई है, खून जम गया है, पीछे नेल पे भी खून जम गया। एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ, आज सुबह एक्सरसाइज करी नहा धो के जैसे ही बाहर आया अलमीरा से ना कपड़े निकालने लगा था तो मैंने ये वाली अलमीरा खोली, बहुत ही ज्यादा स्मूथ खुल रही थी, मतलब यार ये तो बहुत ज्यादा स्मूथ है लेकिन ये वाली अलमीरा जो है ना बहुत ज्यादा टाइट है तो मैंने सोचा ये स्मूथ खुल क्यों रही है। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा जोर लगाया इसको ऐसे करके और बाय चांस मेरा हाथ यहाँ पर था इस साइड पे और जैसे ही मैंने पूरी जोर लगा के अलमीरा बंद करी ना फिंगर रह गई वहीं पर और काम हो गया। मतलब अब इतना ज्यादा पेन है ना मैं क्या बताऊँ, हो जाएगा धीरे धीरे ठीक लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई बहादुर है तो दर्द तो है लेकिन कोई नहीं सह लेंगे। हो गया काम आज तो अपना। देखो यार एक छोटी सी ज्ञान की बात ना आज आपको और बताता हूँ, जब भी आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हो रहा है ना, आपको चोट लग रही है कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये दौड़ाओ कि भाई आपने किसके साथ बुरा किया था और ताज़ा ही बुरा किया होगा, ऐसा नहीं ज़्यादा टाइम हुआ होगा। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है मैं किसी के साथ बुरा करता हूँ ना मेरे साथ उसी वक्त बुरा हो जाता है, एक दो दिन के अंदर ना कुछ उल्टा हो जाता है तो मेरे को याद है यार मैंने किसके साथ कुछ गलत बोला या किसी के साथ मैंने कुछ किया तो मेरे को ध्यान आया पापा का ना मेरे को दोपहर को कॉल आया था, आज दोपहर की बात ही है, पापा मेरे को कॉल आया कि भाई खाना खा ले, मैंने बोला पापा भी भूख नहीं है, कह रहे यार खा ले यार हम तेरी इतनी टेंशन करते हैं खाना खा ले, ये वो सारा दिन लैपटॉप पे लगा रहता है कुछ ना कुछ काम करता रहता है। फिर मैंने पापा को थोड़ा
मतलब वो गुस्से वाली टोन होती है ना कि पापा मेरे को जब खाना होगा ना मैं खा लूंगा, इतनी टेंशन मत किया करो मेरी। और मैंने इतना बोल के ना फोन काट दिया, मेरे को एकदम से ध्यान है कि हाँ मतलब यार पापा बड़े ही हैं, देखो मेरे को पता नहीं ये बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, लेकिन हाँ मैंने गलत किया और अगर मेरे को गलत किया मेरे को उस चीज़ का अफसोस है ना, तो मैं उस चीज़ को सुधारूंगा, तो मेरे को बताने में भी डर नहीं है। तो मेरे को लगा शायद मैंने पापा के साथ इस टोन में बात करी इसलिए ये जो फिंगर है ना, मतलब गई भी कौन सी है, मिडल वाली फिंगर, तो ये फिंगर भाई साहब आ गई अलमीरा में और मतलब हिल भी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा सूजी हुई है, मतलब हल्का सा ऐसे टच भी कर रहा है ना तो भी इसमें पेन है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे से ध्यान रखूंगा, बस आपको हमेशा याद करना है कि आपने किसी के साथ बुरा किया होगा, देखो होता क्या है ना यार, इंसान के कर्मों का फल ना उसे उसकी लाइफ में मिल जाता है, जीते जी मिल जाता है। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो ना तो आपके साथ गलत होगा ही होगा, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो याद करो कि हाँ आपने किसी के साथ गलत किया होगा। मेरे साथ ज़्यादा बार ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर ही चांस होता है, फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैंने क्या गलत किया था और उस चीज़ को सुधारता हूँ। आगे से कभी पापा का कॉल आएगा ना प्यार से समझाऊंगा, नहीं समझेंगे तो चुपचाप जाके खाना खा लूंगा, लेकिन इस टोन पर बात नहीं करने वाला, नहीं तो दोबारा कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो इसी चीज से ना एक बात और ध्यान ही सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, जिसके साथ बीती हो ना वो ये बात समझ सकता है मेरे साथ बीती, इसलिए मैं आपको समझा सकता हूँ, शायद आप लोगों को भी ये बात समझ आए। देखो होता क्या ना, हर एक चीज के ना दो पहलू होते हैं, जैसे पहली वाली बात की हाँ अगर आपने किसी के साथ बुरा किया डेफिनेटली आपके साथ भी बुरा होगा ही होगा। ऐसी जैसे सरकार ने मना किया ना कि हाँ जिसको EMIs नहीं देनी, बहुत चीजों की EMI चल रही होती है, घर की, गाड़ी की, कार की, वो 3 महीने तक EMI ना दे, जिसको किराया नहीं देना वो किराया ना दे। लेकिन 3-4 दिन पहले की बात है, आई थिंक परसों की या तरसों की बात है, एक जी अंकल है हमारे आसपास ही रहते हैं, वो हमारे घर है, 70-75 साल उनकी एज होगी, तो उन्होंने अपनी जब बात बताई ना तब मेरे को समझा हाँ इस चीज का भी दूसरा पहलू है। उन्होंने बताया कि उनका और कोई भी नहीं है, वो अकेले रहते हैं, लेकिन उनका एक घर हो रहा है, एक्चुअली इनके 2 घर है जहां पर वो खुद रहते हैं, एक घर हो रहा है जो किराए पे दे रखा है, जहां से 7,000 या 8,000 रुपए किराया आता है, जो उन्होंने मेरे को बताया, लेकिन किराएदार ने इस बार किराया देने से मना कर दिया, बिकॉज किराएदार भी सही है, उसकी सैलरी नहीं आ रही है, वो किराया कहां से देगा, लेकिन वो भी अपनी जगह सही है। उन्होंने बताया उनके पास राशन के पैसे भी नहीं है, 7-8 हजार देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन जिसके पास बिल्कुल नहीं है के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, बिजली का खर्चा होता है, राशन का खर्चा होता है, घर का और बहुत सारे खर्चे होते हैं छोटे मोटे, आप लोग समझ सकते हो, कोई लाइट खराब हो गई घर में, कुछ खराब हो जाता है, कभी मोटर खराब हो जाती है, वो खर्चे भी निकाल लेना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन 7-8 हजार रुपए जिसके पास मंथ के आते हैं उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमने हेल्प करी, राशन वगैरह दिया, देखो मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि हमने हेल्प करी, बात की गहराई को समझना कि गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, जो किराया नहीं दे रहा वो अपनी जगह सही है, जिसको किराया चाहिए, मतलब बहुत कम बंदे होंगे ऐसे, लेकिन हाँ जिनको नीड है ना, तो आप ध्यान रखो कि आपके आसपास कोई भी बंदा ऐसा रहता है जिसका खर्चा सिर्फ किराए से ही चल रहा है, आप हाफ किराया दे दो, मैं ये नहीं कह रहा पूरा दे दो, किराया नहीं दे सकते, अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो तो उसकी जाके हेल्प कर दो, उससे पूछ लो भाई किसी चीज़ की नीड तो नहीं है। तो बस बात यही है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पहलू हमने वो भी देखा, एक पहलू मेरे को जब वो अंकल घर पे आए ना तब पता लगा कि हाँ यार ऐसा भी तो हो रहा होगा, देखो मेरी भी EMI जाती है लेकिन मेरे अकाउंट में भी बैलेंस है, तो मैं EMI पे कर रहा हूँ, ये नहीं पे नहीं कर रहा, आज भी देनी है, 3 महीने बाद भी देनी है, जो चीज़ ली हमने उसकी EMI तो देनी देनी है। जिसके पास नहीं है मैं ये नहीं कह रहा पे करो, वो मत दो, लेकिन हाँ अगर किसी को नीड है तो उसकी हेल्प करो, बस ठीक है। छोटी मोटी गहराई वाली बात मैं हर वीडियो में करता रहता हूँ, ताकि अगर मेरे को कोई चीज़ समझ आ रही है ना, ताकि आप लोगों को भी वो चीज़ समझ आए, समझाना मेरा काम है, समझना ना समझना आपका काम है। तो ठीक है यार, इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं इसी अच्छी सी बात के साथ कि हाँ हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, बढ़िया सा कमेंट करना, कोको से मिलके कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोको अभी सो रहा है इसलिए तभी घर थोड़ा थोड़ा शांत शांत लग रहा है, कोको को खाना देने का टाइम हो गया, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और क्या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं किसी वीडियो से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।